डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और इसका लास्ट एप्लीकेशन कह सकते हैं, एक अलग टॉपिक कह सकते हैं, वेलोसिटी एफ्लक्स का या टॉरस वाली थ्योरम की। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था क्या था, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। तो लिख लीजिए फ्लो ऑफ लिक्विड की जो यूनिट थी मास कौन सी है, एलएम। और हमें पढ़ना क्या है, वेलोसिटी एफ्लक्स ऑफ लिक्विड। वेलोसिटी एफ्लक्स ऑफ लिक्विड क्या होता है, या इसे हम बोलेंगे टॉरिस सेली। इसे ही हम बोलते हैं टॉरिस सेली थ्योरम। एक साइंटिस्ट थे टॉरिस सेली, उन्होंने ही वेलोसिटी एफ्लक्स के बारे में बताया। सिंपल सा एक उन्होंने क्या किया, एक एक वेसल लिया था, ठीक है, और उसमें लिक्विड फिल करी। कितने हाइट तक की फिल किया, कैपिटल एच हाइट तक की। कितने हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक की उन्होंने लिक्विड फिल किया। और उसके कुछ यानी इसके फ्री सरफेस से, ये फ्री सरफेस हो गया आपका, फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे उन्होंने क्या किया, एक होल किया ऑरिफाइस, और उससे क्या किया, लिक्विड यहाँ पर फ्लो करेगा। तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी लिक्विड के, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है ना, वेलोसिटी एफ्लक्स। तो ये सारी चीजें हैं, तो सिंपली लिखेंगे बाय बर्नौलीज थ्योरम द सम ऑफ प्रेशर एंड टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मस्ट बी सेम। तो सिंपली बाय बर्नौलीज थ्योरम the sum of energies must be same at every point, every point of the liquid। तो हम सिंपल सा यहाँ पे बात करेंगे इसके लिए। तो पहली तो बात करेंगे इस सरफेस में, टोटल सरफेस में कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यानी इस हाइट के लिए, इस लिक्विड की बात करें तो पी प्लस जीरो यानी एनर्जी कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी टोटल है। बट जो लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहाँ हो जाएगा पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी एफ्लक्स, प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यानी इसके नीचे जो लिक्विड होगा उसमें क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस
देन ये आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच और b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू जी एच। ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। क्या आ गया रिलेशन 2gh, यानी यही आ गया हमारी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो लिखो कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स एंड this is given by Torricelli, that's why this is known as Torricelli's theorem. This is known as Torricelli's theorem. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, Torricelli's theorem, ठीक है ना। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे हम। सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स के
बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।